हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक। एंड हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि बुआ कहते हैं कि तुम्हें मैं राविया की ज़िंदगी में तो नहीं रहने दूंगी, चाहे जो हो जाए, इसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। तुम्हारी जान भी लेनी हुई ना तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगी। खैर चलिए सुनते हैं अब आगे क्या होता है। ईशु राविया को वहाँ से निकाल के ले जाती है और उसके बाद राविया कहती है कि चलो ठीक है मैं घर जा रही हूँ। तो ईशु उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींचती है और कहती है तुम जब से आई हो तब से या तो बुआ परेशान कर रहे हैं या मामा परेशान कर रहे हैं या सृष्टि परेशान कर रही है, कोई ना कोई हमारे बीच में आ ही रहा है। और अब जब हम थोड़े फ्री हुए हैं सबसे तब तुम्हें घर जाना है, मेरा क्या होगा, मेरे बारे में भी सोच लिया करो। तो राबिया कहती है क्या सोचे हम आपके बारे में और क्या चाहिए आपको, वही जो हर प्यार करने वाले को अपने हर प्रेमिका से चाहिए होता है। अच्छा, और हम आपको वो क्यों दें, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, आप मुझसे प्यार करते हैं। हाँ बेशक, तो आप हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं। बात मानते तो हैं और कैसे बात मानेंगे। अच्छा, और कैसे आप मेरी बात मानती हैं वो भी बता दीजिए। मैंने आपसे वहाँ कितनी बार कहा शांत रहो शांत रहो, लेकिन नहीं ना। अरे यार राविया ठीक है तुम्हें घर जाना है ना, घर जाओ तो जाओ। ये कह के राविया ईशु राविया का हाथ छोड़ देती है, उससे कहती है जाओ जाओ तुम्हें घर पे बहुत सारे काम होंगे, काम निपटाने होंगे, जाओ। राबिया भी फिर गुस्से में वहाँ से निकल आती है, कहती है इसको तो किसी की कोई बात सुननी नहीं होती, अपने मर्ज़ी की करनी होती है हमेशा, तो जो मन में आए करे। अब से मैं इसे कोई सजेशन या कोई चीज़ें से बताऊँगी नहीं, जैसे ये कर सकती है वैसे ये कर ले। जे ऐसे कोई बात करनी ही नहीं है। उसके बाद ये बोलते हुए नेक्स्ट वो दिन तो किसी तरह से बीत जाता है। नेक्स्ट डे जो है कॉलेज में मुलाकात होती है दोबारा, तो राबिया ईशु को देख के उसे इग्नोर कर देती है। सृष्टि राबिया और ईशु की तरफ देखती है, उसके बाद माही भी देखती है, तो माही उससे कहती है यार तुम दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हो। कहते मुझे कोई बात नहीं करनी, ईशु बोलती है। तो सृष्टि बोलती है अब क्या हुआ तुम दोनों में, हैं अब क्या हो गया तुम दोनों में, अब क्या नौटंकी फैल गई है। यार क्या नौटंकी फैल गई है, उसे बेवजह की बात पे मुझसे गुस्सा होना होता है, बेवजह की बात पे मुझसे लड़ना होता है, तो मैं भी कब तक बर्दाश्त करूँगी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन ना। ज़रूर तूने कुछ किया होगा तभी उसने ऐसे रिएक्ट किया। हाँ चलो ठीक है, सारी गलती मेरी तो होती है, चलो मैंने ही गलत किया होगा, तुम लोग खुश रहो ठीक है। यार एक तो सृष्टि कहती है एक तो तुम दोनों में वैसे भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, कभी तुम्हारी बुआ कभी कोई तुम दोनों के बीच में आता ही रहता है तुम्हारा रिश्ता ख़राब करने, और अब जो है थोड़ा बहुत पल अगर एक दूसरे के साथ मिल रहा है सही से गुजारने के लिए तो वो गुजारा नहीं जा सकता, हर वक्त लड़ना भिड़ना ज़रूरी होता है। मैं नहीं लड़ती हूँ सृष्टि, वो लड़ती है मुझसे, तो तू मना ले जाके, अगर वो लड़ती भी है तो उससे तो
तू क्यों मुंह फुला के बैठी है, तो हर बार मैं ही क्यों मना लूँ? वो भी तो मुझे मना सकती है ना, गलती उसकी भी होती है सृष्टि, सिर्फ मेरी नहीं होती। देखो ईशु मैडम, ये तो जग जाहिर है, प्रेमिका को हमेशा प्रेमी ही मनाता है, चाहे उसकी गलती हो चाहे ना हो, ये तो सदियों से चला आ रहा है, इतिहास गवाह है इस बात का। हो गया तेरा हाँ? पहली बात तो हम दोनों के रिलेशन में ना कोई प्रेमी है ना कोई प्रेमिका, हम दोनों इक्वल हैं। अगर हैं तो दोनों ही प्रेमिका हैं, रहने दे। तू और प्रेमिका माई पीछे से हंसने लगती है ज़ोर से, पायल भी उसकी बात सुन के हंसती है और सृष्टि तो हंसी रही होती है, तो ईशु सबको देखती है और कहती है, क्या है तुम लोग मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? अरे यार तू किस एंगल से प्रेमिका लगती है, ये सुन के तो हंसी आएगी ना, और कोई भी हंसेगा। ठीक है तो नहीं हंसो, हंसी आएगी ना, हंसो, लेकिन मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगी। ये कहीं नहीं लिखा, अगर मैं प्रेमी हूँ भी तो ये कहीं नहीं लिखा है कि हमेशा मैं ही मनाऊंगी, वो भी मुझे मना सकती है। अब ये क्या जिद लेके तुम बैठी हो कि वो तुम्हें मनाए या तुम उसे मनाओ, बात तो सारी एक ही है ना, कोई भी किसी को भी मना ले, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बात सिर्फ ये होनी चाहिए कि तुम दोनों का रिश्ता सही से चलना चाहिए, ऐसे छोटी छोटी बात पे अगर दोनों लड़ोगे ना तो कभी कुछ भी ठीक नहीं होगा, ये याद रखना। तुम दोनों जितना लड़ते हो मत लड़ा करो यार। देखो मैं तो नहीं जा रही मनाने, चाहे जो हो जाए। तो सृष्टि पायल की तरफ इशारा करती है, तो पायल चुपचाप राबिया के पास पहुंचती है और राबिया से कहती है कि राबिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी बढ़िया, और क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस पता तो वही सृष्टि ने बताया ही होगा तुम्हें कि बुआ ने ड्रामा। हाँ वो तो पता है बुआ का, यानी वे बुआ के ड्रामे की वजह से तुम इससे क्यों नहीं बात कर रहे हो ईशु से? मुझे उससे बात करनी ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। अरे लेकिन क्यों, कोई रीज़न तो होगा। रीज़न क्या, उन्हें किसी की कोई बात माननी ही नहीं होती। अरे देखो राबिया, ईशु थोड़ी ज़िद्दी है, ये तुम्हें भी पता है, लेकिन अब उसके ज़िद्द की वजह से तुम अपना रिश्ता क्यों ख़राब कर रहे हो? ठीक है वो ऐसी है, तुम समझ जाओ, तुम मना लो उसे। तो राबिया उससे कहती है, यहाँ बैठो पायल, तुम बैठो, तुम मुझे पता है तुम उसकी पैरवी करने आई हो और सृष्टि ने तुम्हें भेजा, मैंने सृष्टि का इशारा यहाँ से देख लिया था, मैं ईशु से नाराज़ हूँ, ठीक है, लेकिन उसकी केयर करना, उस पर नज़र रखना वो बंद नहीं कर सकती मैं कभी, और ना करूँगी। अब नाउ लिसन टू मी, कहती है बताओ बताओ फिर क्या कहना चाहती हो? मैं ये कह रही हूँ, वो एक एक करके सारी बात बताती है पायल को कि मैंने ऐसे बुआ के सामने चीज़ें रखी वहाँ पे, सिर्फ बुआ से ये जानने के लिए कि आखिर बुआ इस तरह बिहेव क्यों कर रही हैं, मैंने कुछ चीज़ें बोली हैं कुछ चीज़ें कहीं, तुम बताओ उसमें ईशु को मेरा साथ देना चाहिए था या इस तरह की नौटंकी करनी चाहिए थी? आखिर बुआ उस घर की एक सदस्य हैं, उनको मनाना हमारा काम है। बुआ कैसी भी हो, चाहे ईशु की मम्मा से उनकी बनती हो चाहे ना बनती हो, लेकिन उन्होंने ईशु के साथ कभी गलत नहीं किया, और अभी बीच में भी शायद ईशु के मामा के यहाँ से कोई कॉल वॉल आया था, उस चक्कर में उसकी मम्मा ने ईशु को मारा भी था, वो बात भी
इसकी बुआ ने ही क्लियर करवाई थी, है ना। उसके बावजूद ये अपनी बुआ से बगावत पे उतरी हुई है। तो तुम ही बताओ, अगर मैं कोई चीज़ इससे कह रही हूँ तो ये ना मान के बल्कि मुझसे लड़ती है, मेरे अगेंस्ट जाके खड़ी हो जाती है। इसे मेरा साथ देना चाहिए कि एक परिवार साथ बंध के चलेगा। अगर बुआ हमारे फेवर में आ जाती हैं तो माँ बाप को मनाना मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं है। तुम ये सोचो, एक तरीके से बुआ ईशु की मम्मी को पसंद नहीं करती, ना ईशु की मम्मी बुआ को पसंद करती हैं। अगर बुआ हमारे फेवर में होती हैं तो हमें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर बुआ भी अगेंस्ट है, कल को माँ बाप को भी पता चल जाए तो दोनों एक ही टीम में चले जाएंगे। हम किसके पास जाएंगे उन्हें मनाने के लिए? इस बात को ये समझने को तैयार ही नहीं है। हर बात पे खाली बगावत करने पे उतर आती है। कल मैंने बस यही बोला कि अगर छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूँगी, अगर आप मुझे, लेकिन बताइए। तो कह रही है क्यों छोड़ देंगे, घर छोड़ दूँगी, देश छोड़ दूँगी, दुनिया छोड़ दूँगी, तुम्हें नहीं छोड़ूँगी, तुमने अगर मुझे छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दूँगी, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बातें। क्या तुम्हें लगता है पहले मैं इसे छोड़ दूँगी? तुम मुझे बताओ, चलो सबकी छोड़ो, तुम मुझे बताओ, तुम्हें 1% भी लगता है कि मैं राबिया को छोड़ दूँगी, सॉरी ईशु को छोड़ दूँगी? तो पायल कहती है, उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान मत दे। कैसे ना ध्यान दूँ? उसकी बात पे ना ध्यान दूँ तो किसकी बात पे ध्यान दूँ? मेरी ज़िंदगी वो है, मुझे ज़िंदगी उसके साथ बितानी है, और तुम कह रही हो कि मैं उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान ना दूँ। तो मैं अगर उसकी बात पे ध्यान नहीं दूँगी तो मैं किसकी बात पे ध्यान दूँगी? उसे समझना चाहिए, वो नहीं समझेगी तो चीज़ें कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तो क्या करोगे, अब लड़ोगे उससे? मुझे उससे कोई बात करनी ही नहीं है, मुझे उससे ना लड़ना है ना उससे कोई और बात करनी है। सिंपल सी बात है, मैं लड़ने में बिलीव अप नहीं करती। मैं उससे लड़ूंगी, चार बातें वो मुझे सुनाएगी, चार बातें मैं उसे सुनाऊंगी, दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। इससे अच्छा है कि ना मैं उससे बात करूंगी ना वो मुझसे। जब उसे कोई चीज़ समझनी नहीं है तो मैं उसे कोई भी चीज़ समझाने में अपना वक्त क्यों बर्बाद करूँ? बल्कि वो और तेवर दिखाती है चीज़ों को समझने की जगह। तो पायल कहती है, बात तो तुम्हारी ठीक है, सही कह रही हो तुम। अगर ईशु को सही करना है तो तुम्हें थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। बस वही चीज़ मैं भी कह रही हूँ, चलो अच्छा है तुमने समझा तो सही। तो पायल कहती है, चलो ठीक है, तुम ध्यान रखो अपना, और किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता देना। कहती है, पक्का, थैंक यू, सॉरी कि कम से कम तुमने तो मुझे समझा। कहती है कि ईशु को भी समझना पड़ेगा, वो नहीं समझेगी, मुझे पता है, उसका हमेशा का एक ही राग रहा है और वो वही करेगी। समझना पड़ेगा राबिया, और तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो बाद में मिलते हो, तो देखते हैं अब स्टोरी में आगे क्या होता है, अब आगे क्या क्या गुल खेलने वाले हैं तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।